नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने देश में जिस आत्मविश्वास की गंगा का प्रवाह किया है, कई कई दशाब्दियों में भी नहीं हुआ, और ये नेतृत्व ही चाहिए इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप से लड़ने के लिए। तो मेरा तो एक ही आग्रह है कि आपने जो उद्बोधन अभी दिया और जिस तरह जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, सप्ताह में एक बार ये आपका सार्वजनिक अगर आह्वान होता है तो कोई शक नहीं कि एक आदमी भी आपके इस आह्वान से बाहर जी पाएगा, सब आपके साथ होंगे। प्रेस तो हर देश के अंदर आई आपदा में हमेशा एकजुट रहा है, इतिहास साक्षी है, हम सब साहब के साथ हैं। कहीं आत्मबल ही एक चाहिए जो युद्ध में मदद करता है। आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है प्रेस के लिए, अच्छा ये रहेगा कि उसमें भी स्वास्थ्य मंत्री स्वयं लोगों से बात करें, उनकी बातों का उत्तर दे पाएँ, तो एक बड़ा विश्वास का रास्ता हम खोल पाएंगे। इस समस्या का एक और पहलू है जो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा कि आज एक मान लीजिए हम 3 हफ्ते या 2 महीने 3 महीने लगाकर इस आपदा से बाहर निकल भी गए, तो भी हमें हमारे जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करने होंगे, और वो आपके ही सांस्कृतिक संबोधन से संभव है। क्योंकि आज जिस तरह से जीवन शैली में परिवर्तन आ गया, हमारे खाद्यान्न में सब में पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर और आके विषाक्त बना दिया अन्न को, ये हमारी इम्यूनिटी को तोड़ रहा है। जिस तरह से नकली दूध और सिंथेटिक दूध और इंजेक्शन लगाया दूध हम पी रहे हैं, पूरा देश के अंदर इम्यूनिटी के ऊपर प्रहार हो रहा है सीधा सीधा विकास के नाम पर। तो हमें ये कोरोना आज नहीं, हर रेगुलर नियमित अवधि पर इसका सामना करना पड़ेगा। ये शायद मेरी समझ में आता है कि हमें शिक्षा में भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन शैली और प्रकृति के साथ मिलके जिए, क्योंकि हम प्रकृति से ही पैदा होते हैं, कोई भी पेड़ का पत्ता पेड़ से अलग नहीं जी सकता। इस संबोधन को आप लेके चल भी रहे हैं और आगे अगर इसको बनाए रखेंगे तो ये देश हर समस्या के समाधान के लिए एकजुट होके तैयार रहेगा। आपने अवसर दिया, आभार। गुलाब जी, आज आपकी इन बातों को सुनकर के आपके पिताजी की याद आ गई। जी बहुत अच्छा लगा, उनके साथ मेरा इस विषय में बहुत लंबा संवाद हुआ था। जी जी